नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अभी तक जो देखे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, उन सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को रिवीजन लगा देते हैं शॉर्ट में, ताकि कभी भी आपको सिंगल कैंडलस्टिक पहचानने में दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझेंगे। देखो, ये पहला पैटर्न जो सिंगल कैंडलस्टिक में देखा था उसका नाम था मारू बाजू। ठीक है, तो आपने साथ साथ में जोर देना है दिमाग पर, जो भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था टॉपिक 9 तक, वो आपको याद आ रहा है कि नहीं। तो मारू बाजू वाला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने दो कैंडलस्टिक देखे थे, एक तो बुलिश मारू बाजू था, दूसरा बियरिश मारू बाजू। अगर मार्केट का डाउन पैटर्न चल रहा है और उसमें कभी बुलिश मारू बाजू बन जाता है, तो ये हमें बताता है कि अब मार्केट उठने वाला है, यानी बुलिश रिवर्सल आ जाएगा। अब तक जो बियरिश चल रहा था मार्केट, अब इस कैंडलस्टिक की वजह से, बुलिश मारू बाजू की वजह से मार्केट में ये बुलिश रिवर्सल आएगा। अगर मार्केट बुलिश है, चढ़ता हुआ मार्केट है, उसमें अगर कहीं पे बियरिश मारू बाजू बन जाता है, ठीक है, तो ये मार्केट में बियरिश रिवर्सल लाता है, यानी मार्केट को गिरा देने का काम करता है दोस्तों। तो ये बुलिश मारू बाजू इस तरह दिखेगा और बियरिश मारू बाजू इस तरह दिखेगा। तो ये मारू बाजू के दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपने याद रखना है। अगला पैटर्न हमने देखा था हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। देखो, ये सिंपली इतना समझिएगा, ये खड्डे में बनती है ना, जैसे मार्केट अगर गिर रहा होता है और यहाँ पे कहीं आपका हैमर बन जाए या फिर इन्वर्टेड हैमर वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाए, तो ये मार्केट को बुलिश रिवर्सल यानी मार्केट को उठाने का काम करेगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, अब हैमर कैसा दिखता है? हथौड़े की तरह दिखता है दोस्तों, है ना। अब ये उठाने वाला है, मार्केट को उठाने वाला है, मतलब ग्रीन रहेगा तो ये स्ट्रांग सिग्नल दे सकता है। ये हैमर जो है वो रेड कलर में भी हो सकता है या तो ग्रीन में भी, लेकिन ग्रीन में हो तो काफी बेहतर है दोस्तों। ग्रीन वाला उठाता है ना मार्केट, तो ये ग्रीन वाला हो तो ये स्ट्रांगर सिग्नल होता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ये भी अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला होता है, लेकिन ये वीकर सिग्नल बता रहा है हमें, ये स्ट्रांगर सिग्नल बताता है। फिर दूसरा चीज यहाँ पे है इन्वर्टेड हैमर, इसी हथौड़े को हमने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड। तो ग्रीन वाला रहेगा तो स्ट्रांगर सिग्नल देगा हमें कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, और अगर रेड वाला होगा तो वीकर सिग्नल देगा। तो ठीक है, तो ये चारों में से कोई एक बनेगा तो वो हमें अप ट्रेंड मार्केट की खबर देगा, ठीक है, अनुमान लगाने का हमें मौका देगा। तो ये एक सिंगल पर्टिकुलर ये है क्राइटेरिया है, हमें ऐसे कई सारे क्राइटेरियो को एट ए टाइम लगाना होता है, फिर हमारा अनुमान सही आता है, ना कि ऐसा आप अगर अभी सिंगल पैटर्न सीख रहे हो तो सिंगल पैटर्न से आपने पैसे लगा देना है। ठीक है, ऐसे कई सारे, अब हम आगे देखेंगे डबल कैंडलस्टिक, फिर देखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक, फिर पैटर्न को देखने वाले, अलग अलग चार्ट को देखने वाले, तो उन सभी को एट ए टाइम आपने लगा देना है उस कंसेप्ट को समझने में, और फिर आपने अनुमान लगाना है कि मार्केट में क्या बदलाव आएगा। अभी तो हम ये बेसिक सीख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चारों में से कोई एक यहाँ पे बन जाता है तो ये हमें खबर देता है, अनुमान देता है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड चल रहा था कि अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, जब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता है तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक होता है वो अगर ग्रीन में आए ना तो वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल देता है अप ट्रेंड मार्केट का, बुरिश रिवर्सल का, और अगर रेड में बन जाता है ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो वो हमें वीकर सिग्नल देगा बुलिश अप ट्रेंड के लिए, बुलिश रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो ये हैमर इन्वर्टेड हैमर जो है खड्डे में बनते हैं, यानी कि मार्केट अब चढ़ेगा, इसके बाद मार्केट चढ़ेगा, अप ट्रेंड में जाएगा। चलो अगला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए, ये पहाड़ी पे बनते हैं, जैसे मार्केट अप ट्रेंड चल रहा होता है और जैसे ही हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार बनते हैं तो मार्केट में गिरावट आती है, डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, बियरिश रिवर्सल आ जाता है मार्केट में दोस्तों। अब ये हैंगिंग मैन है, जैसे मैन यहाँ पे देखिए हैंग हो रहा है, ऐसे दिख रहा है ना ये हैंगिंग मैन की तरह, तो ये हैंगिंग मैन होगा। अब मार्केट डाउन होगा इसके बाद में, तो इसीलिए अगर यहाँ पे हमें रेड कैंडलस्टिक वाला हैंगिंग मैन मिले तो ये काफी स्ट्रॉन्गर सिग्नल होगा, ग्रीन वाला यहाँ पे वीकर सिग्नल देगा दोस्तों। ग्रीन यहाँ पे बढ़ने वाला चीज होता है और यहाँ पे गिर रहा है मार्केट हैंगिंग मैन आने के बाद में, तो ये वीकर सिग्नल देगा। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल कब मिलेगा? जब रेड कैंडलस्टिक वाला हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे बनेगा। दूसरा वाला देखिए शूटिंग स्टार, ये आसमान से गिर रही हुई जैसी स्टार की तरह दिख रहा है ना,
तो ये आसमान से गिरी स्टार जो है ये भी मार्केट में गिरावट लाएगी, डाउन ट्रेंड लाएगी, बेयरिश रिवर्सल लाएगी दोस्तों। शूटिंग स्टार अब मार्केट गिर रहा है तो इसका भी अगर रेड कलर का कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाए तो वो हमें स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे सकता है कि अब मार्केट गिरने वाला है। ग्रीन वाला भी देगा पर ये वीकर सिग्नल देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन वाला और ये शूटिंग स्टार वाला जो है ये मार्केट में गिरावट लाते हैं, डाउन ट्रेंड लाते हैं, बेयरिश रिवर्सल लाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कलर जो है रेड स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अब गिरेगा, ये वीकर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अब गिरेगा, ये बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है दोस्तों। बेयरिश है ना, मार्केट अब गिरने वाला है, जो अप था अब गिरने वाला है, तो ये बुलिश को रिवर्स करके बेयरिश में कन्वर्ट होगा अगर ये हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट वाला है डोजी पैटर्न, इसको एक ही यहाँ पे समझ लीजिएगा, एक ही चार्ट में आप सब कुछ समझ सकते हो डोजी के लिए। देखो डोजी पैटर्न, डोजी में होता है स्टैंडर्ड डोजी, पहले तो हम स्टैंडर्ड डोजी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड डोजी जो है प्लस साइन की तरह दिखता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये प्लस साइन आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में, रेड कलर में। तो ये स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न कहीं पे भी होगा तो ये मार्केट को रिवर्स कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट चढ़ रहा था, ये स्टैंडर्ड डोजी बन गया तो मार्केट डाउन होगा, फिर डाउन में अगर स्टैंडर्ड डोजी बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप। जहां पे भी बनेगा मार्केट को रिवर्स कर देगा, चढ़ने वाले मार्केट के बाद में फॉर्म हो रहा है तो मार्केट को गिरा रहा है, गिरने वाले मार्केट के फॉर्म हो रहा है तो मार्केट को चढ़ा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये होगा स्टैंडर्ड डोजी जो प्लस साइन की तरह दिख रहा है ना। यहाँ पे मैंने इसको प्लस साइन भी निकाल दिया है साथ में, स्टैंडर्ड डोजी प्लस साइन वाला। अब दूसरा डोजी होता है ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब किसी इंसान को गाड़ दिया है ऐसे करके और उसके ऊपर ये पाटी लगा दी है, इसको ऐसे करके याद रखिएगा। ग्रेवस्टोन यानी खड्डे में लेके जाने वाला। तो जब मार्केट चढ़ रहा था और डोजी बन गया, कौन सा ग्रेवस्टोन वाला डोजी अगर बन जाता है तो वो मार्केट को गिरा देता है दोस्तों, है ना। अब ट्रेंड में चलने वाले मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, बियरिश रिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। ये ग्रेवस्टोन डोजी होता है, ऐसे उल्टे टी के तरह दिखता है दोस्तों ये, ठीक है। अब गिरने वाला है तो इसका रेड कलर हमें स्ट्रांग ये सिग्नल देगा बियरिश रिवर्सल के लिए, डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए। ग्रीन से भी ज्यादा यहाँ पे रेड का हमें स्ट्रांग सिग्नल मिल जाता है। अगर ये बनता है तो हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, इस ये भी गिराएगा मार्केट को, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए तो रेड कलर के जो यहाँ पे बनते हैं ऊपरी दिशा में, तो वही हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि अब मार्केट गिरेगा। वैसे ही इसके उल्टा बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है दोस्तों, इसे देखिएगा, ये बिल्कुल उल्टा है ग्रेवस्टोन डोजी से। तो ये उल्टा टी है तो ये टी के जैसा शेप होता है दोस्तों इसका। तो ये जब बन जाता है खड्डे में तो ये मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, डाउन ट्रेंड में बनेगा तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा, उसको बुलिश रिवर्सल कर देगा दोस्तों मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट को चढ़ाएगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कलर कौन सा होगा तो ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर यहाँ पे चढ़ा देता है मार्केट को। ये रेड वाला भी चढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलना है तो ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक फॉर्म होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें से कोई भी एक फॉर्म होगा ना खड्डे में तो भी मार्केट अप ट्रेंड होगा, इसमें से कोई एक यहाँ पे फॉर्म होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना है, यहाँ पे कलर भी बता दिया मैंने, अगर ये रेड कलर होता है तो वो स्ट्रॉन्गर बियरिश आपको बताता है, बियरिश रिवर्सल की मार्केट अब डाउन होगा, और ग्रीन वाला स्ट्रॉन्गर बुलिश रिवर्सल आपको बताएगा। यहाँ खड्डे में आपको ग्रीन कलर ज्यादा आत्मविश्वास देता है, ऊपर से मार्केट जब गिरे तो ऊपर में रेड कलर आपको ज्यादा आत्मविश्वास देता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को एक ही बार आप रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। ये बियरिश कैंडलस्टिक चढ़ने वाले मार्केट को डाउन में कन्वर्ट कर देंगे, ये बुलिश कैंडलस्टिक जो गिरने वाला मार्केट है उसको चढ़ा देंगे, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। अब इसमें पहले तो मोरू बाजू, बियरिश मोरू बाजू बनेगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा, बियरिश मोरू बाजू बनेगा, बुलिश मोरू बाजू बनेगा तो मार्केट ऊपर उठेगा। हैंगिंग मैन जो ऊपर बनेगा तो वो मार्केट को गिरा देगा दोस्तों। ये हैमर खड्डे में बनता है तो मार्केट को चढ़ा देगा, उसके सेम दिखता है लेकिन ये खड्डे में बनेगा, ये ऊपर बनेगा, ठीक है। ये शूटिंग स्टार ऊपर बनेगा और मार्केट को डाउन कर देगा दोस्तों। ये इन्वर्टेड हैमर खड्डे में बनेगा, मार्केट को चढ़ा देगा दोस्तों ये। फिर ग्रेवस्टोन डोजी है ना, आदमी को जैसे खड्डे में गाड़ा गाड़ा गया हुआ है, तो ग्रेवस्टोन ये बनेगा पहाड़ी पे और ये गिरा देगा मार्केट को। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल इसके उल्टा होता है, तो ये उड़ा देगा मार्केट को, उड़ा देगा मतलब चढ़ाएगा मार्केट को, ये खड्डे में बनेगा और मार्केट को चढ़ाएगा, ड्रैगन फ्लाई। और जो स्टैंडर्ड डोजी था
वो दोनों में भी आएगा, पहाड़ी पे बनाएगा तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, और खड्डे में बनेगा तो मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। तो ये प्लस साइन के जैसे दिखता है, ये उल्टा टी, ये सीधा टी के जैसा दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने भी एक बार रिविजन कर लेना है अपने कोरे कागज पे, ये बियरिश कैंडल स्टिक कौन से होंगे, बुलिश कैंडल स्टिक कौन से होंगे। तो आपको यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ स्पेशल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके बाद में देखेंगे हम स्पेशल ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को, ठीक है। तो इस शेयर मार्केट के नॉलेज में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप थोड़ा सा, तो आगे भी आपको मज़ा और आएगा और आपका जो नॉलेज है ट्रेंड से रिलेटेड वो बढ़ता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।